अभी देखे दोपहर के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं बच्चे। अभी से कपड़े वगैरह डाले हैं, जैसे जैसे काम वाम किया। और रही बर्तन वाली आंटी, आज नहीं आई है तो मैंने इतने सारे बर्तन धुले। जैसे तैसे देव को सुलाया है, का ब्लड टेस्ट हुआ है, लग रहा है ना मतलब बहुत दूर चले जाऊं बच्चों को लेके, इतना दूर चले जाऊं, उतना दूर चले जाऊं, बहुत दूर चले जाऊं। अंदर से मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि मेरी अभी तक जो है नसें वो ऐसे दिखाई देती हैं। जाती हूँ मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, थोड़ा आराम करूंगी, फिर देखती हूँ। देव का एग्ज़ाम है जो कि 6 माह का है, और 2 एप्लीकेशन लिख चुकी हूँ। एक तो मैं उसे कल हाफ टाइम से लेके आई थी, तो 8 से 10 पेपर चल रहा है। एक बारी उसका जो है गैप हो गया, तो टीचर ने फ़ोन उठाया नहीं, शायद साइलेंट कर दिया था। और एक फिर मैं उसकी स्कूल गई थी, टीचर उसकी जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने देखा तो बोले आप इसको यहाँ क्यों लेके आए, आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैंने कहा ये होता ना फिर एग्ज़ाम का एक वो मिल जाता, उनका एग्ज़ाम बच्चा बाद में भी दे देगा। और दूसरी बात, मैं उसको जब मतलब लेके आई ना दूसरे दिन, तो सैटरडे के दिन, तो उसको हाफ छुट्टी दे दी, मतलब कि एग्ज़ाम बस लिया उसका बस। अभी उसका जो एक कल रह गया है मंडे को, और एक जो उसका छूटा हुआ है, तो वो बस होना है उसका। और मैडम से ही अपनी जो भी सिचुएशन बता दी है मैंने, तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये आप लोगों को नहीं बोले, मैं ये करूं कि इस घर को छोड़ के जाऊं या फिर इसको छोड़ के जाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रही हूं। तो यहाँ पर ना अभी आज शिव भी गिर गया है, क्योंकि आपको पता है मेरे दोनों छोटे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। तो इसको देखो माथे में लग गया था, सिर में, तो ये गुमक कर निकल गया था। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग मतलब कुछ जो हेटर लोग हैं ना, वो चाहे शिव को लेके बोलते हैं चाहे मुझे लेके, कि अब तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो, ऐसा लगता है कि तुम सारी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती हो, क्योंकि उसका खर्चा उठाना पड़ता है, ये वो है ना, मतलब तो पता नहीं चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है कि क्यों नहीं आ रही हैं। अगर मुझे मैं एक तो ना बिल्कुल जो मेरा दिल है ना, कहना चाहिए अपने मुंह से कुछ बातें नहीं बोलना चाहिए, पर शायद पता नहीं आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोग को अपनी बातें ही बताऊंगी, और साथ में देव की जो हालत है अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, पैरासिटामोल वगैरह दवाइयाँ खिलाई ना, ठीक है, पर उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग के कॉमेंट्स पढ़े, आप लोग कह रहे थे आरती जी आप इसको अगर बुखार नहीं उतरता है तो ठंडी पट्टियाँ रखिए, और इसका ना पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा था और उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है, शिव को मैंने अंदर सुला दिया है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागी हूँ। उस व्यक्ति के लिए भी मेरे से जो करते बना वो मैंने किया। यहाँ पे अभी मैं कपड़े अपने जो मुझे ले जाने हैं वो मैं अलग अलग रख रही हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत ये है ना कि रखते जाऊंगी तो ठीक रहेगा। और देव को उन्होंने एक दिन बाद बुलाया था, तो संडे पड़ गया था, संडे को उनका क्लिनिक जो था बंद था, और ब्लड टेस्ट वाला भी बंद था, तो मैं मंडे को उसका टेस्ट कराऊंगी, मतलब है ना। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे जो उनके लिए भी करते बना वो मैंने किया, मतलब अगर मुझे जिम्मेदारियों से भागना होता, आप इमेजिन करिए क्यों मैं यूट्यूब चैनल खोलती, क्यों मैं लोगों से इतना गिड़गिड़ाती। जो एक औरत एक लड़की, कहने का मतलब हर कोई कैमरे में आके, और ये सब हेल्प के लिए कोई भी वो नहीं करता कि प्लीज़ मेरी मदद करो। सिर्फ मेरा एक ही सिद्धांत था कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए, भले मुझे कुछ भी करना पड़े,
बट मैंने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया, जो भी किया ईमानदारी से किया। आप चाहे तो मेरे पिछले 3 साल के ब्लॉग उठा के एक भी ब्लॉग में आप लोग देखेंगे, आप लोगों को मैंने हर चीज़ से मैंने जो है अपनी जिम्मेदारियाँ बाखूबी निभाई है ना। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं तभी चली जाती है ना छोड़ के। और जिस दिन मेरा फ़ंड जो है जितना किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लगना था, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स व्यूज़ जुड़ रहे हैं ना, तो जितना मेरे को फ़ंड रेस करना था, जितना मुझे मतलब कि दवाइयों की वो ट्रांसप्लांट के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जब उतना हमारा हो गया उसके तुरंत एक हफ्ते बाद मैंने ट्रांसप्लांट प्रोसेस मैंने 2 महीने पहले से चालू कर दी थी। जैसे ही भी हमारा ट्रांसप्लांट हुआ उसके दूसरे दिन ही सोचिए मैंने अपना पेटीएम जो भी नंबर है वो डालना बंद कर दिया। अगर मेरे मन में खोट होता तो बताइए मैं क्या कुछ नहीं कर सकती थी, है ना, अपना चैनल बंद कर देती। बट आज तक भी मैं मेहनत करती रही, किसके लिए, उस इंसान के लिए, और आज भी कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो इसे कहते हैं जिम्मेदारियाँ, जो कि जिम्मेदारियों से मेरी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भागी हूँ। ये मैं अपने अंदर मन से कह रही हूँ, मुँह से कह रही हूँ, मैं अपने लिए। आपने मुझे कभी देखा सजा धजा, कभी प्रमोशनल की वीडियो होगी तीज त्यौहार तो ही मैं ऐसा खूब बन ठन के आपने मुझे देखा होगा, अदरवाइज़ कभी भी मुझे आपने नहीं देखा होगा। मैंने कुर्ती कुछ पहनी है तो नीचे कुछ पहना है, क्योंकि बस ये था कि अपने लिए तो सारे सब लोग ज़िंदगी जीते दूसरों के लिए, पर जब हम दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं ना तो उसको भी हमारी उतनी ही परवाह होनी चाहिए जितनी हम दूसरे के लिए रखते हैं। एनीवे जाने दीजिए, तो मैं ये चीज़ें उन लोगों को बता रही हूँ जो कह रहे हैं ना मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही हूँ। तो मैं ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल नहीं भाग रही हूँ। जब मैंने किडनी डोनेट की थी ना, एक भी दिन मैंने ब्लॉग, मुझे अंधेरा दिखाई देता था, क्योंकि और मैं 3 दिन सिर्फ बॉटल पर थी। 3 दिन मैंने करवट भी नहीं बदले थे, 15 टाके लगे थे निकलने के, है ना। उसके बावजूद भी मैंने क्या किया था कि वीडियो बनाया था और आप लोगों को हर अपडेट दिया, अपने सारे प्रूफ दिए मैंने, डॉक्टर का, मेडिसिन का, हर चीज़ का। इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों के ऊपर भरोसा बताया, तब तो जाके आप लोगों ने मेरी हेल्प की थी। और आज भी इसीलिए एक चीज़ होता है ना कि आप उस चीज़ को सहन करते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो रहने दीजिए, है ना। और ये चीज़ें मैं आप लोगों से ऐसे पब्लिकली कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर मेरे दिल में है ना, अगर मैं नहीं भी शेयर करती हूँ आप लोगों से तो मुझे बहुत ज़्यादा सी घबराहट महसूस हो रही है, तो मैं आप लोगों से इसलिए बता देती हूँ। और रही बात देव की, तो देखती हूँ मैं कल उसको लेने जाऊँगी, मतलब मंडे को। ये व्लॉग पता नहीं है आप लोगों को संडे को मिलेगा, मंडे को मिलेगा। खुल्ला लेके आई हूँ, दालें लेके आई हूँ, ये दाल लेके आई हूँ, ये मूंगफली, ये सूजी, तो ये शक्कर, ऐसी चीजें खुल्ला लेके आई हूँ। साबूदाना वगैरह है, ये भी शक्कर है, ये पोहा है, ये मखाने ले आई हूँ ना, ओके। तो इनको कर रही हूँ मैं, जमा रही हूँ। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था मेरे यहाँ आटा वगैरह था ना, क्योंकि मैं मतलब लास्ट टाइम मुझे डेंगू था तो मुझे इतना वो ही नहीं था कि मैं गेहूँ बीनूँ फिर पिसवाने जाऊँ, तो मैंने सारा सामान अभी खुला लेके आ गई हूँ, जब बीनूँगी जब पिसवा दूँगी, क्योंकि घर में कहना चाहिए कुछ भी नहीं था। और मेरे घर की हालत मैं आप लोग को क्या बताऊँ, इस कदर मची हुई है ना कि बता भी नहीं सकती हूँ। जिस हालत में मैं आई ना, रोटियों में ऐसी फफूंद थी, मैं वो वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी, मतलब बस एडिट ही करना है। अभी बस आप लोगों से ये कहूँगी कि मेरे देव के लिए बस प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। वो काफ़ी ज़्यादा ना मतलब समझदारी वाली बात कर रहा था, मम्मी आप कहाँ चली गई थी। मैंने कहा बेटू मैं तो कहीं, कहता कि मैंने बोला था पापा से कि मुझे छोड़ दो वहीं पे, मेरे को जाना है, मम्मी की याद आ रही, पर उनने सुने नहीं। तो मैंने कहा ठीक है बाबू कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना तो मैं हूँ आपके पास, ऐसी मतलब वो बातें कर रहा था। और सोचिए वो कह रहे थे मम्मी मुझे दवाई खिला दो, और बच्चे होते हैं ना तो मतलब कि थोड़े बहुत दवाई से डरते नहीं खाते, पर वो बेचारा ना ऐसे चबा चबा के खाता और फिर पानी पी जाता है, मतलब दवाई के नाम से वो पीछे हटता ही नहीं है। तो उसको तकलीफ़ होगी तब तो जाके वो ऐसा कर रहा होगा, है ना। तो मैं सारा सामान यहाँ पे रख देती हूँ और
इसको इसका भी ब्लड टेस्ट कराऊँ तो ब्लड टेस्ट करा देती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही बोलने वाली थी कि ऐसा आप कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार जरूर सोचिएगा कि अगर आप आरती को जिम्मेदारियों से भगना होता तो वो उसका पहले भी जो डिसीजन था वो ये सब ना करती है ना, और आप लोगों से हेल्प ना लेती, यूट्यूब ने रोज का ब्लॉग नहीं बनाती, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप लोग केवल 2 मिनट कैमरा ऑन रख के बात कीजिएगा, उसको एडिट करके देखिएगा, फिर आप सोचिएगा कितनी मेहनत लगी। मेरे लिए ना हर यूट्यूबर के लिए मेहनत लगती है, पर मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगती है, क्योंकि ना मैंने डिलीवरी के टाइम अपना रेस्ट किया है, ना ही मैंने किडनी के समय रेस्ट किया है। अगर मुझे फीवर आ जाता तो मैंने रेस्ट किया, कभी भी नहीं किया। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरे ऊपर दया ना थोड़ी सी होता है ना कि यार चलो उसके लिए कुछ करें, किसी को भी दया नहीं आती मेरे ऊपर, सच में जाने दीजिए है ना, शायद मेरे लिए इसलिए ज़िंदगी होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान भी जो ऊपर बैठा है ना, वो मुसीबतें भी उसको ही इतनी देता है जो कि ये सह लेगी, ये ऐसा कर लेगी। कहना चाहिए ना मुझे भगवान ने पीट पीट के मार मार के अपनी आवाज़ों से ये सब करते करते मैं मट्ठर हो गई हूँ, मजबूत हो गई हूँ कि कल के लिए भी अगर कुछ लाइफ में ऐसी स्थिति मेरे साथ आती है तो मैं खड़ी हूँ मजबूत बन के, है ना, ये चीज़ है। और भगवान भी उसको उतनी ही वो करता है जितनी वो सह सकता है। भगवान को ऊपर जो बैठा है ना, उसको बहुत अच्छे से पता है ये इतना चीज़ सहन कर लेगी, ये चीज़ कर लेगी, वरना मेरी जगह कोई और होती थी ना तो आज पता नहीं चैनल चला पा रही होती, नहीं चला पा रही होती, इतना करती नहीं करती। बट मैंने हर रोज़ मेहनत की है, कभी भी अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटी हूँ, कभी भी, है ना। चाहे वो आपने देखा मेरे ससुराल को लेके और माइक्रो से लेकर है, बट अब किसी के लिए कुछ भी नहीं करूँगी मैं, जितना करना था सो मैंने कर लिया। अगर आप लोग बोलेंगे आरती आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से जान चुका है, कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ अपने कंधों पे आप भरोसा रखिए। अगर आपकी कंधे मजबूत हैं, आपके हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप कमा के खा सकते हैं। तो ये तो मेरा शुरू से ही था कि मैं खुद भी खा सकती हूँ बच्चों को, और साथ में एक पर्सन और था, बट अभी उसके लिए मेरी तरफ से कोई भी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, है ना। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं हम अपना छोटा सा यहीं पर एंड। अगर आपको आज नहीं बोलूँगी है ना, चलिए ठीक है, जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉरी सब्सक्राइब करिए ना करिए वो आपकी, पर आप लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। उसमें भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि ये पता नहीं मेरे पास कब है कब नहीं है, जब तक है जब तक तो फटाफट से आज मैंने खाने में देखी खिचड़ी बनाई थी और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया था, देव को भी यही खिला दूँगी मैं, तो वो अच्छे से खा लेगा बेचारा। और देखो शिप को ना मैंने आज बांध दिया था, क्योंकि वो यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ हो रहा था, तो क्या होता है बच्चा गिर भी जाता है, कहीं कुछ चीज़ें मुंह में उठा के खाने लगता है तो मुझे डर लगता है। हालांकि वो मुंह में खाता तो है, बस मुंह में बस भरा रहता है पर खाता नहीं है, पर फिर भी है ना माँ हूँ, डर लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने आज इसको बांध दिया। ये देखो, और ये छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि मैं छुड़ा लूँगा, मैं निकाल लूँगा, पर मैंने कहा नहीं आज तो पूरा दिन बंधे रहोगे, पर खुद को दया आने लगी तो लास्ट टाइम फिर उसको छोड़ दिया था मैंने। देखो कितना ज़्यादा अकलमान है ना, बार बार पैर से निकाल रहा है कि मैं इसको निकाल लूँगा निकाल लूँगा, और चीज़ों को इतनी जल्दी समझता है, इतनी जल्दी कैच करता है, क्या बताएं, बहुत जल्दी। जैसे ना देव कहीं कंघी करने लगेगा, कहीं उसको क्रीम लगाने लगेगा, कहीं कपड़े पहनाने लगेगा, कहीं पोछा लगाने लगेगा, कहीं झाड़ू, मतलब ये उसकी एक्टिविटीज़ देखती हूँ ना, कहते हैं कि एक जीने का सहारा ही हम मेरे बच्चे ही हैं, है ना। तो चलिए बाय बाय, आप भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा।